नमस्कार दोस्तों, हमारे पास है कैनन 2000 और ये 7 टाइम जो है वो लाइट ब्लिंक हो रही है, आप देख सकते हैं। इसका वीडियो काफ़ी सारे यूट्यूब पे पड़े हैं, लेकिन जो परफेक्ट सॉल्यूशन है वो नहीं है। किस प्रकार करना है ये मैं आपको आज बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्रिंटर स्विच ऑफ करना है, प्रिंटर दबा के रखिए और उसके बाद ये जो है बटन इसको प्रेस कीजिए, उसके बाद स्टॉप का बटन छोड़ देना है, पावर का बटन को प्रेस करे रहिए, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोड़ दीजिए। अब जो हमारा प्रिंटर है वो यहाँ पे सही नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो प्रिंटर है वो सर्विस मोड में जाएगा। उसके बाद जो भी सेटिंग करनी है, जो भी की दबानी है वो आपको बता देता हूँ। आपको ये दबाना है 6 टाइम, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा प्रिंटर यहाँ पे रेडी हो गया है। स्टॉप का बटन दबा के रखिए, पावर का बटन दबाना है, पावर के बटन को दबाए रखना है, उसके बाद स्टॉप का जो बटन है उसको 7 टाइम आपको दबाना है, उसके बाद दोनों बटन छोड़ देने हैं और उसके बाद ये जो बटन है इसको 7 बार प्रेस करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसके बाद भी एक बार आप उसको पावर का बटन दबाएंगे तो आपका जो प्रिंटर है वो सेट हो जाएगा।